नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ओमिक्रॉन को लेकर रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। यहां जिले भर में सघन जांच अभियान के तहत फुल 36 टीमें आरटीपीसीआर जांच के लिए लगा दी गई हैं। खासतौर पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त उन स्थानों पर भी नमूने लिए जा रहे हैं जहाँ सघन आबादी है और सामुदायिक संक्रमण की संभावना भी ज्यादा है। स्कूलों में भी टीमें नमूने ले रही हैं। अकेले रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर दो दो टीमों को तैनात किया गया है जहां हर रोज 300 से 400 लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं। वहीं पूरे जिले में हर रोज 4000 सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। विदेश से आने वाले लोगों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। और उसके बाद 10 टीमें हम लोग की हैं टोटल, जो अलग अलग चौराहों पे जहाँ जहाँ चिन्हित है, जहाँ जहाँ लोग भीड़ लगती है, जहाँ ज़्यादा जाम होता है वहाँ पे जाते हैं और सब पर टेस्ट करते हैं। जैसे कि अपना घोरा बाजार चौराहा है, सिविल लाइन चौराहा है और मुंशीगंज चौराहा है, इस जगह पर हजार मगर रेलवे स्टेशन और बस का प्रमुख है। यहाँ पे कितने लोगों का रोज कर रहे हैं? यहाँ पर लोग रोज हम लोग कर रहे हैं 2 टीम मिलकर 350। अच्छा, आरटीपीसीआर कर रहे हैं? आरटीपीसीआर कितने दिन का रिपोर्ट आ जा रही है? रिपोर्ट हर दूसरे दिन आ जा रही है। वही बुलंदशहर में रालौद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर जमकर गोलीबारी हुई। बता दें कि बीते दिन हाजी यूनिस बसपा को छोड़कर रालौद में शामिल हुए थे। आज रालौद नेता हाजी यूनिस नई मंडी चौकी क्षेत्र के भाईपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। शादी समारोह से लौटते समय हाजी यूनिस के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर गोलीबारी कर दी, जिसमें दो गाड़ियों पर लगभग 40 से ज्यादा राउंड की फायरिंग की गई है। हाजी यूनिस के काफिले में शामिल 3 लोगों को गोली लगी है। वहीं गोलीबारी के बाद घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हाजी यूनिस के समर्थकों का जमावड़ा लग गया। अभी लगभग 3 बजे, जैसा कि जानकारी में आया है और हमारे बुलंदशहर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के पति जी हाजी यूनुस जी, उन्होंने बताया कि उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वो सभी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। ये घटना प्रकाश में आई है और हम सभी लोग अस्पताल में हैं। कोई ये अभी ये नहीं पता चल पाया घटना का कारण क्या है। SSP साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और जो भी सही स्थिति है अभी बहुत शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा जी। लेकिन 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया, 50 से 60 गोली चलाई है, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए गए, AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गाँव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहाँ से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गाँव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हरिंग में भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गाँव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहाँ से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गाँव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हरिंग में भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं। वही अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह के बहेरी गांव में जन चौपाल लगाई गई। इस दौरान उन्होंने अपने विधायकी के 5 साल के कामकाज को गिनाया और कहा कि सरकार का सबका साथ सबका विश्वास का स्लोगन मात्र छलावा है। यह साथ सबका चाहती है, लेकिन विकास पूंजीपतियों और चुनिंदा लोगों का करती है। इस सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। वहीं पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए समाज को बांटने की जरूरत उनको पड़ती दिखाई दे रही है। आज चुनाव सर पर है तो जनता में भ्रम फैलाने के लिए फिर से मंच सजे है और झूठे वादे और इरादों का दौर जारी है।
वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला 9 दिसंबर को जजपा के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता देने फरीदाबाद NIT पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अजय चौटाला ने जनता से भारी संख्या में झज्जर रैली में पहुंचने की अपील की। अजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 तारीख को हुड्डा को झज्जर में दिखाएंगे कि जजपा क्या है। इस मौके पर व्यापार मंडल में अजय चौटाला को अपनी मांग का पत्र भी सौंपा। वही फरुखाबाद भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय सह संयोजक प्रोफेसर कुलदीप दुबे, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक पार्टी में जोड़ने पर उन्होंने बल दिया। साथ ही सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान के जरिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के दिशा में कार्य जारी है। वही कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश कार्य समिति सदस्य भूदेव राजपूत ने प्रबुद्ध जनों तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और 4 वर्षों के कामों को पहुंचाने पर बल दिया। अच्छा, क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया? प्रबुद्ध वर्ग का प्रकोष्ठ में जिला क्षेत्रीय संयोजक श्री कुलदीप दुबे जी का स्वागत सम्मान है, एवं मंडल के जो विधानसभा संयोजक का सम्मान है, एवं मंडल कार्यकारी संयोजक का सम्मान है। अच्छा, लगभग कितनी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं? 60-70 लोग शामिल होंगे इसमें। प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा द्वारा। अच्छा, चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई? चुनाव के मद्देनजर तैयारी हो रही है कि हम जो प्रबुद्ध वर्ग जो भाजपा से कम जुड़ा हुआ है, वोट भाजपा को देता है लेकिन कम जुड़ा हुआ, उसको जोड़ने का सामाजिक प्रयास किया जा रहा है। वही फरीदाबाद के बाईपास चंदावली पुल के पास गड्ढे में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गांव नरियाला के रहने वाले विकास के नाम से की गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक्सीडेंट का अनुमान लगाया जा रहा है। वही मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। वही इस मामले में परिवार के लोगों का आरोप है कि एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्या है। पुलिस मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। वही 6 दिसंबर को लेकर के मथुरा प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के आसपास का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को लेकर हिंदूवादी संगठन ने जो घोषणाएं की थी, उस घोषणा के बाद मथुरा प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बाहर से आई पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग दी। इस क्षेत्र में जो CCTV कैमराज और ड्रोन कैमराज से नजर रखी जा रही है, खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार के अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, भ्रामक सूचनाएं फैलाता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो बहुत कठोर और दंडात्मक कार्रवाई उस व्यक्ति पर की जाएगी। हमारे जो 4 बने हैं उन सभी का भ्रमण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि सभी जगह पर जो आवश्यक मजिस्ट्रेट्स और पुलिस है वो तैनात है कि नहीं, तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ सहित समस्त उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इसी कड़ी में मथुरा में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, CMO डॉक्टर रचना गुप्ता और CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल ने CMO ऑफिस के प्रांगण में किया। इसी तरह से ANM ने भी अपने अपने क्षेत्र में इन उपकेंद्रों का शुभारंभ किया। इनमें ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। जिले के सभी ब्लॉक में ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने से अधिकतर बीमारियों का इलाज ग्राम व ब्लॉक स्तर पर अब हो सकेगा। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 5,000 उपकेंद्रों का, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का उद्घाटन किया गया है और इसमें से हमारे मथुरा में 74 उपकेंद्र आज लोकार्पित किए गए हैं।
इससे हमें ये उम्मीद है कि आगे के दिनों में हमारी आम जनमानस को, ग्रामीण खासतौर से ग्रामीण जनता को, घर बैठे घर के बहुत निकट स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ से पूरे प्रदेश में 5000 नवीन उपकेंद्रों का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया है। इसी के साथ जनपद में, हमारे जनपद मथुरा में 74 नवीन उपकेंद्रों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इन 74 नवीन उपकेंद्रों के द्वारा जनपद मथुरा के जो हमारे जनपदवासी हैं उन्हें बहुत ही घर के नज़दीक तक भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी और एक बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परिकल्पना हमने की थी वो ज़रूर पूरी हो पाएगी। वही रायबरेली में अंधविश्वास ने 5 वर्षीय बालक की जान ले ली। निसंतान चाचा ने संतान के लिए अपने मासूम भतीजे का सर फोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। काफी दिनों के बाद एक और तंत्र मंत्र की एक घटना रायबरेली से सामने आई है। बताया जा रहा है कि मासूम को 5 दिनों तक कैद करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वही परिजनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिजनों ने कहा कि अगर बच्चे को चाचा ने अगवा कर लिया, फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो जाँच कर रही है। 29 नवंबर को थाना नसीराबाद में हरीश चंद नामक एक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसका 5 वर्षीय बालक गायब हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। इस पर तत्काल FIR दर्ज करके पुलिस ने सरगर्मी से उसकी तलाश तेज कर दी। 3 तारीख को उस बच्चे का शव गांव के ही एक तालाब में, जो कि जलकुंभी से भरा था, वहाँ पर मिला, जिसके सर पर चोट के निशान थे। शव को तत्काल कब्जे में लेकर पंचायत नवा भर के उसका पोस्टमार्टम के लिए कराया गया। वही संभल बेसहारा महिलाओं का सहारा अब्बासी सोसाइटी यूथ विंग बन रही है। अब्बासी सोसाइटी यूथ विंग की ओर से कमजोर असहाय विधवा महिलाओं के लिए पूरी कार्य जो रैली है वो शुरू की गई है। आर्थिक सहयोग मुहिम सोसाइटी यूथ विंग की ओर से चौधरी सराय कार्यालय में अध्यक्ष सिप्ते अली ने सौंपे 10 पात्र महिलाओं को चेक दिए हैं। सोसाइटी की यूथ विंग अध्यक्ष सिप्ते अली के कार्यालय चौधरी सराय में एक यूथ विंग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में विचार रखते हुए सलाहकार डॉक्टर रशिक अनवर ने कहा कि कमजोर असहाय वर्ग की पात्र विधवा महिलाओं की हर संभव मदद करने की बात कही गई। वही संभल में सचिव और ग्राम प्रधान पर शौचालय में नकली माल लगातार ग्रामीणों को जमकर लूटने का गंभीर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि गांव में शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है, हर घर में शौचालय बने, कई घरों में लोगों ने पात्र शौचालय जो थे उनको नहीं दिए गए हैं, वहीं शौचालयों को जड़ से खत्म कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय की चुनाई कब में भी खेल किया गया। वही सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ANM कार्यकर्त्रियों ने आज अपना प्रदर्शन जारी रखा। ANM कार्यकर्त्रियों ने जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदर्शन जारी रखते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की और विभाग पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। यहां कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर नारेबाजी की और CMO के नाम संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र अपर CMO डॉक्टर प्रेमनाथ को भी सौंपा। मामला ये है कि जैसे हम लोग रविवार को लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जब से कोविड वैक्सीनेशन है जनवरी से शुरू किया है और इधर 1-2 महीने से एकदम लगातार ड्यूटी हो रही है, सार्वजनिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है और न ही कोविड वैक्सीनेशन का जो भुगतान का क्लेम है हम लोग का वो भुगतान कराया गया है। ABD का पैसा भी नहीं गया है, RI का भी जो ABD का पैसा होता है वो भी नहीं गया है और कोविड वैक्सीनेशन में हमारा जो भी क्लेम बनता है एक भी जनवरी से अब तक का कोई पेमेंट नहीं गया है।
और आरआई और कोविड, बुधवार शनिवार को आरआई के लिए हम लोग पूरा नियोजित सत्र होता है, तो उसमें कोविड भी साथ में कर। सिद्धार्थनगर में बीएसए ने पत्रकार के साथ अभद्रता की थी और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव अब्दुल रहमान खान नूरी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बलुआ स्थित पीस पार्टी के कार्यालय में बैठक कर शासन प्रशासन से पत्रकार के साथ हुए अत्याचार के लिए न्याय की मांग की गई। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इसी बीच पार्टियों में दल बदल और इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर में नगर पालिका अकबरपुर के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा के इस्तीफे देने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि कुर्मी मतों को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने के लिए चंद्र प्रकाश वर्मा जाने जाते हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।